अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम तरफ फिर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि गाइस मैं एक स्टूडेंट और मैं गाइस बिजी था अपने स्कूल के पेपर्स के। चलते हैं अपने पांव पे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। बेकारी बनने के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम 150 लीटर पे अच्छा, 180 का लीटर ही फकत बस उसकी सजा है। इसके अंदर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता रहता था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। लेकिन गाइस तब कंटेंट भी अच्छा मिल रहा था और उसके साथ साथ वीडियो भी बन रही थी, लेकिन एक मसला था, पता नहीं गाइस कैसे मेरी वीडियो खुद ही डिलीट हो जा रही थी। और अब मैंने वो मसला सॉल्व कर लिया और अब मैं आप लोग के लिए रोज एक ना एक न्यू कंटेंट वाली वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत मजे की होंगे। गाइस आज की वीडियो का पर्पस है, बताइए गाइस। तो हमें बताने की जरूरत नहीं गाइस, आज की वीडियो है अनबॉक्सिंग के ऊपर। और गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्स करूंगा गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्स करूंगा अपना एक रिंग लाइट। नजर आ रहा तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ये रिंग लाइट। ये हो चुका है ओपन, खुल जा स्क्रीन से। चलिए गाइस ये देखिए, ये रही हमारी रिंग लाइट। अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं गाइस, एडॉप्टर। और गाइस ये है कितने इंच का है गाइस, 26 इंच का। और ये 360 प्रोफेशनल ब्यूटी लैंप है, 360 डिग्री का। चलिए गाइस तो अभी हम लोग, ये है गाइस इसका एडॉप्टर, जिसकी वजह से गाइस ये चार्जर नहीं है, ये एडॉप्टर है जिसकी वजह से इसकी लाइट जलती है। ये है हमारा, ये गाइस मोबाइल क्लिप, मोबाइल क्लिप। इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, मेन चीज को निकालते हैं। ये है गाइस, ये है इसका लाइट कंट्रोल, ये गाइस इसका लाइट कंट्रोल है। ये है गाइस हमारी रिंग लाइट, जिसकी वजह से गाइस अब हम लोगों की वीडियो भी अच्छी बनेगी और हमारी शक्ल भी अच्छी आएगी। शक्ल तो वैसे भी बहुत अच्छी है गाइस, लाइट थोड़ी कम पड़ जाती थी इसलिए रंग थोड़ा सा खराब नजर आता था। तो चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ इसका ट्राइपॉड होता है, वो किधर है, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस। ये रहा उसका ट्राइपॉड, चलिए निकालते हैं, ऐसे निकल नहीं रहा। सबसे पहले तो गाइस इसको देख के मुझे पता है क्या लगा था, पबजी की M14। चलिए गाइस अभी हम लोग इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। छोड़िए गाइस, ये देखिए इसको हम लोग पहली दफा है गाइस ये। वैसे तो एक ट्राइपॉड मेरे पास और भी है, वो आसानी से खुल जाता है। इसको गाइस खोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए ऐसे खुलता है, ये आराम से ऐसे इसको आराम से खोलते हैं। ये वाला ट्राइपॉड जो है ना गाइस थोड़ा सा ज्यादा नाजुक है, और इसको ऐसे रख देते हैं गाइस। ये देखिए ये खुल गया ऐसे, इसको यहाँ हमने रख दिया। अभी एक और चीज मैंने आपको लोगों को दिखानी थी, देखिए गाइस इसको तो मैं निकालने ही भूल गया था गाइस। इसकी वजह से हमारा ये जो रिंग लाइट है और ये ट्राइपॉड है ये तो अधूरा है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो वो है मोबाइल इसके ऊपर फिट होगा। सबसे पहले हमारा ये जो है एंगल मोबाइल क्लिप, बार बार इसका नाम भूल गया था गाइस, मोबाइल क्लिप, इसको हम लोगों को सबसे पहले एडजस्ट करना होगा। ये जो इसका स्क्रू है जो मैंने अभी इधर से उतारा है, इसको हम लोग लगाएंगे इस तरह से नीचे से ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद ये जो है ना गाइस उसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे, ऐसे एडजस्ट करने के बाद ये जो स्क्रू है इसको ऊपर ला के ऐसे रख देंगे, लगा देंगे। ये गाइस यहाँ पर कंट्रोल हो चुका है। इसके बाद हमारा ये जो, इसको भी साइड में रखते हैं। ये जो गाइस है हमारा
रिंग लाइट, इसको हम लोग लेकर आते हैं। लग रहा है जितेंद्र गाड़ी चला रहे हैं। चलिए हम लोग इसको लेके आते हैं साइड पे। बस नजर आ रहे हैं, कर देते हैं। गाइस रसल मेनिया चल रही है इधर, ट्राइपॉड वर्सेस ताशविन नेवर गिव अप, रोमन रेन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। गाइस ये ब्रॉक लेसनर, मैं रोमन रेन। चलिए अभी ये जो ये है गाइस, इस पे एक वायर लगी है, सबसे पहले तो इसको खोलते हैं, जो कि गाइस इसको खोलेंगे सबसे बुरा लगता है। तो घुमाते रहो गाइस, खुलती है, चलिए खुलती है। वहाँ पर ये हमारी वायर भी खुल चुकी है। उसके बाद जो ये है गाइस, जो हमें लग रहा है लिटिल हैमर, लिटिल हैमर जो लग रहा है गाइस, ये बिल्कुल भी लिटिल हैमर नहीं है। इसको हम लोग लगाएंगे इधर सेंटर में गाइस। अगर आप लोग दो फोन से लगा रहे हो, दो फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, तीन या चार, इधर भी लगा सकते हैं आप लोग, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं गाइस। एक तो सुना था सिंगल, एक मल्टीपर्पस, ये ट्रिपल पर्पस है, 3-in-1। ऐसे ला सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एडॉप्टर का, एडॉप्टर को जब हम लोग ये वायर को ओपन करेंगे, ये भी हमारी वायर निकल आएगी इधर, ये एडॉप्टर खुलेगा। एडॉप्टर जब खुल जाएगा, इसको हम लोग ये क्या कहते हैं, इसको वायर गाइस, दो वायर होंगे, एक होगी ट्राइपॉड रिंग लाइट की, एक होगी अडॉप्टर की। हम लोगों को इसको ऐसे ऐसे कंबाइन करते रहे। कंबाइन करने के बाद ये जो अडॉप्टर है गाइस, हमें इसको लगाना है स्विच के अंदर। ये है एक लाइट कंट्रोल, वायर से कनेक्टेड है गाइस। आप लोगों को सिंपली ये वाला जो बटन है ना, नजर आ रहा है फोकस, नजर आ रहा है ये वाला जो गाइस आप लोगों को रेड वाला बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। अभी तो लाइट नहीं चली क्योंकि गाइस अभी लाइट है ही नहीं, गाइस लोड शेडिंग चल रही है। तो इसको जब आप लोग स्विच में लगाएंगे इसको, उसके बाद फिर ये जो है इसको लाइट कंट्रोल को ऐसे दबाएंगे तो ये गाइस चल जाएगी। और ये जो आप लोग को नजर आ रहा है कन्वर्टिंग का बटन, इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे। सो गाइस लाइट पूरे 2,000 करोड़ लाख 50 करोड़ हजार साल के बाद, जो कि गाइस नोमी की काउंटिंग है, जो मेरा सबसे छोटा भाई है उसके काउंटिंग के हिसाब से गाइस इतने ही साल लग गए लाइट को आने में। गाइस चला के भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बस यही एक लाइट है उसके बाद बस खत्म, लेकिन नहीं गाइस, मैजिक क्या बात है गाइस। ये देखिए ये डिम भी हो, ये इसकी ब्राइटनेस कम भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। देखिए 3-2-1 ये कम लाइट वाली ज्यादा, और ये देखिए दोबारा ज्यादा भी हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ अभी नई वीडियो जो आएगी वो भी अनबॉक्सिंग की ही होगी, तो आप लोग इतनी देर तक गेस कर लीजिए कि मुझे किस चीज की जरूरत है। गाइस अगली वीडियो भी आप लोग गेस करके रखिए कि किस चीज पे आएगी। तो मैं आप लोग समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।